Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं अपने इस कोर्स टाइटल फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ जिसका आज हम छठा लेक्चर जो कि जिसका टाइटल है परसेप्चुअल प्रोसेसेस उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो परसेप्चुअल प्रोसेसेज हैं यानी जो प्रत्यक्षीकरण की प्रतिक्रिया प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से हमारे उसके अनुसार हम किन किन तरीक़ों से अपना जो स्टूम्लस बाहर से हमें मिल रहा है जो सेंसेशन जो हमने अभी तक जिसकी चर्चा की जिसका अध्ययन किया उसके तहत जो जो हमारे पास स्टूमलस जो भी उद्दीपक हमें प्राप्त हो रहा है उसका किस प्रकार से हम अर्थ निकालते हैं किस प्रकार से उसका हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे बातचीत करेंगे तो चलिए हम लोग अपने आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं और उसके साथ ही हम पहले हमारा जो पिछले लेक्चर में एक और टॉपिक जो छूट गया था जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे ताकि वो हमारा जो संवेदना का जो एक पूरा एक टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाएगा और इसमें जो दो महत्वपूर्ण आ, हमारे संवेदन के जो एक और आ, हम कह सकते हैं कि तरीके हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे यहाँ पर इस सत्र में उसमें एक है काइनेस्थेटिक और दूसरा है वेस्टिबुलर ये दोनों ही एक दूसरे के साथ हम कह सकते हैं सामंजस्य में काम करते हैं और बहुत हद तक बहुत ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होती इसके बारे में बातचीत भी नहीं होती और यूं कह सकते हैं कि ये बाकी सेंस ऑर्गन्स के मुकाबले जितना उनको महत्व दिया जाता है या जितनी उनकी चर्चा होती है उतनी इन सेंस ऑर्गन्स की या इन सेंसुल जो हमारे जो प्रोसेसेस हैं इनकी उतनी चर्चा नहीं होती तो काइनेस्थेटिक जो सूचना हमें मिलती है या काइनेस्थेटिक जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हमारे सेंसेस से उसका जो हम कह सकते हैं स्रोत है वो हमारे जो जोड़ हैं लिगामेंट्स हैं और हमारी मांसपेशियां हैं उनमें हो रही जो मूवमेंट्स है उसके द्वारा हमें ये सूचना मिलती है और इस सूचना के आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि हमारे शरीर के जो बाकी अन्य जो हिस्से हैं उनका स्थान कहाँ पर है यानी कि हमारे जो शरीर के अन्य हिस्से हैं उसकी हमें खुद जानकारी हो सके कि हमारे बाकी अन्य जो हिस्से हैं वो किस तरफ जा रहे हैं या कहाँ पर स्थित हैं तो इस कारण से हमारा अपना जो एक एक बॉडी मूवमेंट है उसके बारे में हमारी पूरी एक जानकारी जो है वो कैनेस्थिसिया या कानेस्थेटिक आ, आ, सेंस के माध्यम से हमें मिलती है और इसका जो स्रोत है वो जोड़ों में हमारे मांसपेशियों में और जो लिगामेंट्स हैं हमारे मसल टेंडन्स हैं इनसे हमें ये सूचना मिलती है क्योंकि जब भी मूवमेंट होती है तो उस मूवमेंट से या उस स्पीड में ये भी वहाँ पर मूव करते हैं और साथ ही साथ वो सूचना ये हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं और उसके बाद हमारा मस्तिष्क इन सूचनाओं को एक तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है और उसके अनुसार वो ये पता लगाता है या यूं कह लें कि हमारी जो वस्तुतः स्थिति है शारीरिक भागों की वो हमारे मस्तिष्क तक पहुँच जाती है इसी के साथ साथ काइनेस्थेटिक सेंस में केवल इन्हीं हम कह सकते हैं अंगों का या इसी इन्हीं जो स्रोत हैं यहीं से जानकारी नहीं मिलती बल्कि इसकी जानकारी हमें हमारे विजन के माध्यम से यानी हमारी दृष्टि के माध्यम से और स्पर्श यानी कि टच के माध्यम से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है और इसका एक उदाहरण अगर हमें समझना हो कि कैसे दृष्टि हमारे कानेस्थेटिक सेंस को एक सहायता प्रदान करता है या हमें अपने बॉडी पार्ट्स की आ, लोकेशन के बारे में उसकी जानकारी करने के बारे में किस तरह से सहायक होता है तो आप बैठे बैठे ही एक प्रकार का एक आप घर पे बैठ के आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं और समझ सकते हैं आप इसके लिए आपको बस करना ये होगा कि आप अपनी दोनों आँखें बंद कीजिए और आप सीधे पोस्चर में खड़े हो जाइए और दोनों हाथ आप पहले नीचे कर लीजिए उसके बाद आप दो सेकेंड का गैप ले लीजिए उसके बाद आप सर्वप्रथम अपनी इस उंगली से अपनी नाक को छूने का प्रयास करिए एक बार में और उसके बाद दूसरे हाथ से अपने नाक को छूने का प्रयास करिए उसी क्रम में तो आप ये पाएंगे कि बहुधा ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग इनफैक्ट आप भी पहली बार में और दूसरी बार जब उस उंगली को छुएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार में ही अपनी नाक के सेंटर को छू पाएं और इसका कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं जब हमारा विज़न ब्लॉक होता है यानी हमारी आंखें बंद होती हैं तो उस कारण से जो हमारा काइनेस्थेटिक सेंस का जो उसके बारे में हमारी जो जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी जो जरूरी थी जो विज़न के माध्यम से हमें अभी तक मिल रही थी वो हमारे पास अब नहीं है इस कारण से हम ये कर पाने में थोड़ी सी हमें दिक्कत आती है जो कि एक दो प्रयास के बाद आप आंख बंद करके भी अपनी उस नाक के उस भाग को आप दोबारा छू पाएंगे आप इसको करके बैठ के देख सकते हैं और साथ ही साथ दोबारा जब आप इसको कभी फिर से करिएगा और उस वक्त आप अपनी आंखें खोल के इसको जब दोबारा से स्पर्श करने जाएंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि ये करने में आपको बहुत आसानी हुई और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई जैसी पहली बार आपको सामना करना पड़ा या जब एक बार आपका उंगली यहाँ न जा करके यहाँ चला गया या थोड़ा उसके बगल में चला गया तो जब आंखें खुली रहेंगी तो आप ये पाएंगे कि ये चीज़ करना आपके लिए बहुत ही सहज है और ये दर्शाता है कि हमारी जो दृष्टि है उससे और हमारे स्पर्श यानी इसके माध्यम से भी हमको अतिरिक्त सूचनाएँ मिलती हैं जिससे हमें हमारी काइनेस्थेटिक जो सेंस है वो और एनरिच होता है उसका हमें और बेहतर आभास होता है हमारे शारीरिक अंगों का कहाँ पर उनका लोकेशन है वो इस वक्त कहाँ पर स्थित है और एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं किस तरह से कोऑर्डिनेटेड हैं ये हमें समझने में काइनेस्थेटिक सेंस से मदद मिलती है इसके बाद जो दूसरा एक महत्वपूर्ण हमारा सेंस है वो है वेस्टिबुलर सेंस और वेस्टिबुलर सेंस हमारे बॉडी का मूवमेंट के दौरान हमारे और हमारा जो बॉडी कोऑर्डिनेशन है उसके अकॉर्डिंग और उसकी सारी जानकारी इकट्ठी करके एक प्रकार से हमारा बैलेंस स्थापित करने में हमको मदद करता है यानी जो हम आसानी से अभी तक हमें ये प्रतीत होता है कि आसानी से हम खड़े हो सकते हैं चल सकते हैं या फिर हम कहीं पर अगर खड़े हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई ऐसा सर में घुमाओ या किस जैसे अगर हम इसको दूसरे वे में कहें तो उसका उदाहरण मैं जब आपको आगे दूंगा तो वो बेहतर स्पष्ट होगा इसीलिए पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं वेस्टिबुलर सेंस में हमारे जो सूचना मिल रही है हमें उसका सबसे प्रमुख जो सूचना हमें प्राप्त हो रही है वो हमारे कान के अंदर मौजूद वेस्टिबुलर सेक्स होते हैं जो कि हमारे इनर ईयर के अंदर मौजूद होते हैं और वो कॉकलिया के नज़दीक होते हैं और वहाँ से उन उन वहाँ की उस जानकारी से हमें ये पता चलता है क्योंकि उसके अंदर जो टाइनी हेयर सेल्स यानी कि वहाँ पर भी जो हेयर सेल्स मौजूद हैं वो बहुधा इस अपने एक एंगल में राइट एंगल में वो स्थित होते हैं और जब भी हमारा सर किसी दिशा में घूमता है या किसी प्रकार से उसमें कोई मूवमेंट होती है तो वेस्टिबुलर सेंस में वो मूवमेंट उसकी वजह से वहाँ पर टाइनी हेयर सेल्स में भी और सेमी सर्कुलर कैनाल में जैसा कि हमने अपने पिछले सत्र में चर्चा किया था जो फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड में भी एक प्रकार का मूवमेंट होता है और इन्हीं सब के कारण हमारे वेस्टिबुलर सेक्स में और वहाँ पर मौजूद जो टाइनी हेयर सेल्स हैं उसमें एक प्रकार का प्रकार का झुकाव आता है और इस झुकाव की वजह से हमें अपनी वस्तुतः स्थिति का यानी हमारी बॉडी की जो एक्चुअल अभी पोजीशन है स्पेशली अपने सर की हेड पोजीशन का उसके बारे में हमें एक पता चलता है एक जानकारी मिलती है और इस जानकारी का एक बहुत बड़ा उपयोग ये है कि इससे हम अपनी जो शारीरिक स्थिति है हमारी पृथ्वी पर उसकी क्या एक पोजीशन है और एक बैलेंसिंग में इसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है इसीलिए कई बार हम जो मोशन सिकनेस की बात करते हैं कई बार हम एक ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जब हम हम अचानक से आप अगर इसको अगर अगर याद करें तो आप जब भी कभी किसी झूले पर बैठे हों या किसी रोलर कोस्टर राइट पर आप कभी बैठे हैं अगर तो वो इतनी तेज़ी से घूमता है और वापस आता है कि उसमें बैठने के बाद हमारा जो सर है या जो हमारी पूरी बॉडी है वो बहुत तेज़ी से टू एंड फ्रो मूवमेंट में जाती है और इस कारण से कई बार आप ये पाएंगे कि लोगों को चक्कर जैसा आने का आभास हो जाता है और वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहां पर वो अपना बैलेंस यानी वे जो वेस्टिबुलर सेंस से जो उनको जानकारी मिल रही है वो कही न कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है और उसमें ये इतना फ्रीक्वेंट जो मूवमेंट हो रहा है इसकी वजह से हम अपनी बॉडी बैलेंस बॉडी पोस्चर की जो हमारी स्थिति है उसको पहचान पाने में या उसका आभास होने में हमें एक समस्या होती है तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि वेस्टिबुलर सेंस जो है वो भी हमारे आ, सेंसेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इससे हमको मिलती है तो इस तरह से हमारे ये दोनों काइनेस्थेटिक और वेस्टिबुलर सेंस मिल करके हमारे सेंस जो ऑर्गन्स हैं या कह लें या हमारी जो सेंसेशन की जो प्रक्रिया है जिसमें हमने पिछली पिछले सत्र में और उसके पिछले सत्र में हमने आई के बारे में पढ़ा फिर हमने ईयर के बारे में पढ़ा फिर उसके बाद हमने टच और उसके बाद हमने स्मेल और उसके बाद टेस्ट की भी जो सेंसेशन है उसकी बात की और आज हमने यहाँ पर काइनेस्थेटिक और वेस्टिबुलर सेंसेस की भी बात की तो इस तरह से हमारा ये जो सेंसेशन का जो ये पूरा पार्ट था ये जो पूरा भाग था उसकी हमने एक चर्चा की एक उसका प्रयास किया उसको समझने का तो आइए अब आगे चलते हैं इसके बाद हम लोग अपने आज के जो टॉपिक जो परसेप्चुअल प्रोसेसेस यानी परसेप्शन की की जो प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास करते हैं और परसेप्शन की जब हम बात करते हैं तो एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है जो कि बहुत लाजमी भी है इतने अगर सत्र आप जब सुन रहे हैं उसको आप अध्ययन कर रहे हैं तो एक जानकारी और एक कौतूहल आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जो ये सारी सूचनाएं हमें मिल रही हैं और जिसको हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये सेंसेशन यानी सेंसरी ऑर्गन्स की मदद से हमको ये सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो ये सूचनाएं जब हमारे सेंस ऑर्गन्स रिसीव करते हैं तो फिर ये उसको फिजिकल एनर्जी की फॉर्म में जो हमें मिला है ये उसको कन्वर्ट करते हैं और यदि हम वेस्टिबुलर सेंस की या कैनेस्थेटिक सेंस की बात करें तो मैकेनिकल फॉर्म में जो सूचना हमें प्रकट हुई वो हमने फिर उसको न्यूरल में कन्वर्ट किया यानी जो ट्रांसडक्शन की जो प्रक्रिया है उसके बाद वो सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है तो क्या ये जो पूरी प्रक्रिया है क्या ये सिग्नल का केवल बदल जाने से ही क्या हम उसका अर्थ निकाल पाते हैं या हमारे लिए उसका कोई मतलब होता है या हम उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं तो यहां पर परसेप्शन जो है वो प्रक्रिया हम ये कह सकते हैं कि सेंसेशन की जो जो के द्वारा जो भी प्राप्त हमें सूचना मिली या जो भी स्टूमलस हमें मिला या जो भी सिग्नल हमें मिला उसका एक हमें अर्थ निकालना है यानी उस सूचना को हमें पहले ऑर्गेनाइज करना है फिर उसे इंटरप्रेट करना है और फिर उसके आधार पर हमें कोई एक्शन लेना है या कोई डिसीजन लेना है या फिर किसी भी तरह का कोई बिहेवियर या रिस्पॉन्स हम करते हैं तो ये जो प्रक्रिया है यानी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा प्राप्त जो भी सूचना है जब हम उसको अर्थ प्रदान करते हैं उस सूचना को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं उस सूचना को जब हम इंटरप्रेट करते हैं और उसके आधार पर जब हम कोई एक्शन करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं क्योंकि जब तक उस सूचना का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है या वो सूचना हमारे लिए उसका कोई मीनिंग नहीं है तब तक उस सूचना का कोई हमारे लिए मतलब या उसका हमारे पास होने का कोई अर्थ या कोई उसकी वजह नहीं है तो परसेप्शन हमारे लिए इस प्रकार से कार्य करता है और इसी के तहत हम अपने सराउंडिंग अपने एनवायरमेंट में जो भी घटित हो रहा है या जो भी हम देखते हैं या सुनते हैं या महसूस करते हैं उन सभी को हम फिर इस अर्थ के सेंस में यानी उसका हम एक अर्थ निकाल करके उसको इंटरप्रेट करके कहीं ना कहीं फिर हम उसके अनुसार अपने वातावरण के साथ इंटरेक्ट करते हैं या वहाँ पर हम कह लीजिए उसको हम वहाँ बिहेव करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसके साथ ही साथ प्रत्यक्षीकरण का जो क्षेत्र है या अध्ययन है इसमें जैसा कि हमने अपने पिछले सत्रों में भी चर्चा की थी इसमें गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और विशेष करके जैसा मैंने बताया था कि जो वटाइमर थे और कॉफका थे और कोहलर थे इन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया और इन्होंने गेस्टाल्ट शब्द यानी जो जर्मन में जिसका अर्थ होता है संपूर्ण यानी कि होल तो होल की इन्होंने बात की और इनका जो एम्फेसिस था इनका जो इन्होंने जो जिस बात पर जोर दिया वो ये थी कि हम किसी भी स्टूमलस को या जो भी हमें सूचना प्राप्त हो रही है हम उसको पार्ट्स में ब्रेक नहीं करते यानी हम उसको टुकड़ों में नहीं देखते या टुकड़ों में समझने का प्रयास नहीं करते बल्कि हम उसको एक टोटैलिटी में यानी संपूर्णता में देखने का प्रयास करते हैं तो जब संपूर्णता की उन्होंने बात की यानी कि होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स जो उनका फेमस फ्रेज़ है वो यहाँ पर अभी भी उसको बहुत मान्यता दी जाती है परसेप्शन को समझने के लिए क्योंकि जो ह्यूमन परसेप्शन है उसमें हम एलिमेंट्स को या कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन न करके उसको टोटैलिटी में देखते हैं और इसकी हम आगे और चर्चा करेंगे जब हम गेस्टाल्टवादी गेस्टाल्टवादी जो ग्रुपिंग का सिद्धांत है उसकी भी हम आज चर्चा करेंगे तो उस समय इसकी थोड़ी सी और चर्चा होगी तो एक बेहतर समझ हमें मिलेगी उसकी इसके साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो अवधारणा है जो परसेप्शन के साथ जुड़ी हुई है और वो है फिगर ग्राउंड परसेप्शन की यानी आकृति और पृष्ठभूमि का जो एक 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 अवधारणा है उसे समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारे पास अगर आप यूं कहें इसको सामान्य सामान्य तरीके से समझने के लिए कि हमारे पास अनंत सूचनाओं का भंडार हमें लगातार प्राप्त हो रहा है हमारे सेंस ऑर्गन्स की मदद से यानी अगर हम केवल विजन की ही बात करें अगर उसको समझने के लिए हम विजुअल प्रोसेस यानी अपनी दृष्टि को ही अगर एक बार के लिए उदाहरण के लिए लें तो जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो आप अक्सर ये देखेंगे कि हमारा अगर ध्यान कहीं पर है और हम मान लीजिए हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो हम वो व्यक्ति को देखते तो हैं लेकिन साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति ही केवल हमें दिखाई दे और हमें बाकी कोई भी चीज़ दिखाई ना दे हालांकि एक उदाहरण शायद आपको याद आएगा इसके बाद कि जैसे अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई दे रही थी लेकिन ये बहुत हद तक उसके अभिप्रेरणा यानी उसके मोटिवेशन को दर्शाता है न कि जो उसने परसीव किया जो उसने सेंस किया ये उस चीज़ को नहीं दर्शाता क्योंकि हम जब भी किसी वस्तु को देखते हैं तो हम उसको किसी के सापेक्ष देखते हैं यानी कि जब भी हम कोई फिगर देखेंगे अगर हम विजुअल उसकी बात करें तो हम जब कोई फिगर देखते हैं तो हम उसको किसी ग्राउंड के यानी कि उसका जो एक पृष्ठभूमि है उसके सापेक्ष देखते हैं वो फिगर कभी भी बिना बैकग्राउंड के एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि जब भी आपको फिगर को देखना है तो उसके लिए एक बैकग्राउंड होना ज़रूरी है और इसी तरह से जो हमारा फिगर है यानी आकृति है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो उसको बैकग्राउंड से अलग करती हैं जिसका हम यहाँ पर एक जिक्र करेंगे जैसे जो फिगर होता है यानी जो आकृति होती है जिसे हम परसीव कर रहे हैं उसकी एक डेफिनेट शेप होती है उसका एक आकार होता है और वो निर्धारित होता है वो यानी कि वो ग्राउंड के अंदर समाहित नहीं होता वो ग्राउंड से क्लियरली हम उसको डिस्टिंक्ट कर पाते हैं यानी हम उसको क्लियरली अलग कर पाते हैं बैकग्राउंड से अपने फिगर को इसलिए फिगर का एक डेफिनेट शेप होता है और इस वजह से फिगर जो होता है वो हमें स्पष्टता दिखाई देता है इसी के साथ साथ हम जब बात करते हैं ग्राउंड की तो ग्राउंड हमेशा फिगर के पीछे होता है यानी ग्राउंड हमेशा बैक में होगा और फिगर हमेशा फ्रंट में होगा तभी हम फिगर को परसीव करेंगे और बैकग्राउंड को हम इग्नोर कर देंगे या यूं कह लें कि उस पर हमारा ध्यान उस तरीके से नहीं जाता तो इसलिए फिगर बैकग्राउंड के इस परसेप्शन में फिगर के लिए पृष्ठभूमि का भी उतना ही महत्व है क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जब कभी आप पुस्तक में देखेंगे या कभी आपको अगर मौका मिले तो आप इसको इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं फिगर ग्राउंड परसेप्शन के आपको उसमें बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे चित्र के साथ जिसमें वो इस तरह का रिवर्सिबल इमेज के आपको कुछ चित्र दिखेंगे जहाँ पर कि एक समय पर जब आप देखेंगे तो आपको दो चेहरे दिखाई देंगे और जब उसको थोड़ी देर तक आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरी बार वहाँ पर आपको एक गॉबलेट यानी एक प्याला रखा हुआ दिखाई देगा और वो चेहरे बैकग्राउंड बन जाएंगे यानी कि एक समय पे जब आपका ध्यान एक पर्टिकुलर फिगर पर जाता है तो दूसरी चीज़ें उस समय बैकग्राउंड बन जाती हैं और यही प्रोसेस ठीक उल्टा हो जाता है जब आप उस मौजूदा फिगर को बैकग्राउंड बना देते हैं तो आपको दो चेहरे दिखाई देने लगते हैं तो इस प्रकार से ये जो रिवर्सिबल इमेज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें इस फिगर ग्राउंड परसेप्शन को समझने में एक सहायता देता है एक इसमें हमको एक आसानी देता है तो इसके साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने इस आज के टॉपिक में और हम यहाँ पर अब कोशिश करेंगे ये समझने की जो गेस्टाल्ट के जो ग्रुपिंग सिद्धांत हैं वो क्या क्या हैं और उन्होंने उसमें क्या कहा तो सर्वप्रथम यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि गेस्टाल्ट ने ये जो नियम बताए ये हमारे उन्होंने इसके पीछे कुछ बेसिक उनके आधार हैं जिसके अनुसार उन्होंने ये कहा कि हम जो भी चीज़ें देखते हैं हम प्रयास करते हैं उनको ग्रुप में एक साथ देखने की या उनको हम ग्रुप में कर देते हैं ताकि हमें उन्हें समझना उसको समझने में आसानी हो सके और जो हमारा परसेप्शन है ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यानी जो भी वस्तु हमें सामने दिखाई दे रही है उसमें हम उसको केवल लकीरों के अनुसार या एजेस के अनुसार या कोने के अनुसार और इस तरह से हम उसको नहीं देखते बल्कि हम उसको एक संपूर्णता में देखते हैं उसको एक टोटैलिटी में देखते हैं इसलिए हम उसकी ग्रुपिंग करते हैं इस तरह का कोई भी आकृति जब हमारे सामने आती है कोई भी वस्तु से जब हमारा सामना होता है अगर उदाहरण के लिए हम कहें तो जब आप एक कह लीजिए कि एक पुस्तक को ही जब आप लेते हैं तो पुस्तक में हमें अलग अलग उसके कोने नहीं दिखाई देते या उसका हम कह लीजिए कि उसकी जो कवर की जो जो एंगल्स हैं वो हमें दिखाई नहीं देते बल्कि वो एक पूरी किताब की तरह हमें परसीव होती है वो हमें वहाँ पर दिखती है तो इसके लिए जो कुछ सिद्धांत उन्होंने जो परसेप्शन के लिए हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट वो मैं आपको यहाँ पर आज बताता हूँ जिसमें पहला जो उन्होंने ये बताया है प्रॉक्सिमिटी का जो सिद्धांत इसके अनुसार इसको मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो कोई भी इस तरह का जब हमें फिगर में हमें या कोई भी ऐसा स्टुम्बलस हमें दिखता है तो ये उतना स्ट्रेट नहीं बन पा रहा है लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए पर्याप्त होगा कि जैसे हमें यहाँ पर छः लाइन्स हैं और इसको हम ये अगर देखेंगे और अगर आप इसको खुद भी सोचें तो आप इसको छह अलग अलग लाइन्स ना कह के आप कहेंगे कि ये तीन पैरल लाइन्स हैं यानी कि हमने यहाँ पर जो नज़दीक लाइन्स हैं आप ये देख सकते हैं इनको हमने एक ग्रुप में कर दिया तो इसका अर्थ ये है कि प्रॉक्सिमिटी के आधार पे यानी इनकी नज़दीकी के आधार पे हमने इनको एक ग्रुप में रखा है इसके बाद अगर हम देखते हैं जो दूसरा सिद्धांत है सिमिलैरिटी का तो सिमिलैरिटी में आप ये देखेंगे कि जैसे एक आकृति हम यहाँ पर जो बना रहे हैं इसमें आप ये देखिए कि हमारे पास दो लाइंस हैं ट्रायंगल की और दो लाइंस हैं हमारे पास सर्कल की तो हम हम इसको इस तरह से नहीं देखेंगे यानी कि हम इसको दो लाइंस को इन दो लाइंस को ना देख करके हम यहाँ पर एक पूरी ट्रायंगल की लाइन और एक पूरी सर्कल के सर्कल की लाइन यानी एक पूरी ये लाइन और एक पूरी ये लाइन यानी हम इसको चार लाइंस की तरह परसीव करेंगे या चार ग्रुप्स देखेंगे जहां पर हमने सिमिलैरिटी के आधार पे, यानी ट्राइंगल्स को ट्राइंगल्स के साथ और सर्किल को सर्किल के साथ हम एक साथ देखने का प्रयास करते हैं या उसको हम एक साथ ग्रुपिंग उसकी करते हैं इसके बाद हम अगला जो हमारा एक और सिद्धांत है गेस्टाल्टवादी वो है क्लोजर का सिद्धांत यानी कि इसको समझने के लिए आपके लिए मैं यहां पर एक आकृति ड्रॉ कर रहा हूं जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी हम यहां पर देख सकते हैं कि ये कुछ ब्रेक ब्रेक ब्रोकन लाइंस हैं यानी कि ये कुछ टूटी हुई लाइंस हैं जिनका कोई उस प्रकार से अगर हम देखें तो कोई अर्थ हमारे लिए नहीं है लेकिन जैसे ही मैंने इसको बनाया है आप इसको ज़रूर समझ गए होंगे कि ये किस आकृति की तरफ इशारा कर रहा है यानी हम इसको एक सर्किल के तौर पर देखते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने अपने मस्तिष्क में इसको कम्प्लीट कर लिया ये जो गैप्स हैं इसको हम स्वतः भर देते हैं और इस इस जो ये आकृति है इसको हम ब्रोकन लाइन्स न देख करके इसको हम एक ट्राइंगल के तौर पर देखते हैं यानी कि ये दर्शाता है कि हम इस प्रकार से जब हमारे पास टुकड़ों में इंफॉर्मेशन आती है तो उसको हम कंप्लीट कर देते हैं यानी उसको एक क्लोजर प्रदान कर देते हैं और हम उसको संपूर्णता में ले जाते हैं तो ये भी हमारे एक ग्रुपिंग सिद्धांत का एक और उदाहरण है इसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की और कंटिन्यूटी का जो सिद्धांत है वो ये दर्शाता है कि मैं उसके लिए एक आपके यहाँ पहले एक ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमें इस समझने में थोड़ी आसानी हो सपोज ये दो बैट रखे हुए हैं क्रिकेट के अगर ये दो बैट रखे हैं और इस तरह की इमेज हमें दिखती है तो कभी भी हम ये नहीं समझते कि ये एक बैट तो ये पूरा दिख रहा है हमें यहां पर हम देख सकते हैं लेकिन जो दूसरा बैट है वो हमारे लिए पूरी तरह से विजिबल नहीं है हम ये उसको पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो ढका हुआ है या उसका एक भाग हमें नहीं दिख रहा है परंतु फिर भी हम उसको दो अलग अलग हिस्सों में नहीं देखेंगे हम उसका जो परसेप्शन करेंगे वो एक पूर्णता में यानी कि ये बैट नंबर वन और ये बैट नंबर टू और ये दर्शाता है कि हम चीज़ों को कंटिन्यूटी में देखते हैं ना कि उनके ब्रोकन वे में जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो गैप आ गया है या यहाँ पर जो हमें दूसरा बैट दिखाई नहीं दे रहा है उसके बावजूद हम उसको फुली प्रसीव कर पाते हैं और इसी तरह से अगर इसका एक मैं आपके रोज़मर्रा के जीवन से एक उदाहरण दूं तो कई बार अगर आप पुल वगैरह पर चढ़ते हैं या ब्रिज पे चढ़ते हैं या फ्लाईओवर पे जाते हैं तो वहाँ पर जब आप जाते हैं तो आप जब चढ़ाई करते हैं उस पर या जब उस पर आप ऊंचाई की तरफ जा रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है आप ये अगली बार महसूस कीजिए कि अग उसके आगे का भाग यानी नीचे वाला भाग हमें दिखाई नहीं पड़ता है यानी कि हमें यह नहीं पता कि पुल का जो आगे वाला रास्ता है वो उस वक्त हमें दिखाई नहीं देता मगर तो चूंकि हमारे पास ये क्षमता है तो हम ये जानते हैं कि ये कंटिन्यूएशन में आगे जा रहा है तो इसलिए हम उस पर पूर्ण विश्वास के साथ उस फ्लाईओवर पर या उस पुल पर आगे बढ़ते हैं तो ये भी एक तरह से हमारे इस कंटिन्यूटी के सिद्धांत को दर्शाता है इसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ कॉमन रीजन की और लॉ ऑफ कॉमन रीजन यह दर्शाता है कि जैसे अगर मैं यहां पर तीन बॉक्स ड्रॉ करता हूं और इसमें हम लोग प्रयास करते हैं इस तरह से सर्कल्स बनाने का तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर यह बॉक्स ट्राइंगल का है इस बॉक्स में ये ट्राइंगल और सर्किल दोनों हैं लेकिन यहाँ पर हम ये चारों ट्राइंगल के लाइंस को एक साथ नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम इसको ग्रुपिंग करेंगे बॉक्स के अनुसार बॉक्स नंबर एक बॉक्स नंबर दो और बॉक्स नंबर तीन यानी कि हमने यहाँ पर जो उनके बीच का एक कॉमन क्षेत्र है यानी जो उनका ये बॉक्स है जो उस कॉमन क्षेत्र को दर्शाता है उसके अनुसार हम इसको एक दो और तीन की मात्रा में देखेंगे ना कि उसके अंदर का जो कंटेंट है यानी कॉमन रीजन जो उसके बीच में है हम उसके अनुसार इसकी ग्रुपिंग करेंगे इसके बाद एक और सिद्धांत है वो है लॉ ऑफ प्रेग्नेंस या सिंप्लिसिटी और इस लॉ के अनुसार हमें जब भी कोई आकृति दिखती है और इसके लिए जो एक बहुत फेमस उदाहरण है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और शायद आप इसको देखने के बाद समझ भी जाएं कि ये जो ये जो मैंने यहाँ पर आकृति बनाई है इसको अगर हम देखें तो ये कुछ सर्किल्स हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं अगर इसको हम अलग अलग वे में देख देखते या प्रसीव करते तो इसको हम एक दो तीन चार पाँच छः, सात आठ नौ दस इस प्रकार से हम इसको टुकड़ों में यदि देखें तो ये नौ दस टुकड़े हमें दिखाई देंगे अलग अलग इसको अगर हम अलग अलग कर दें तो लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हम इसको स्वतः देखते ही हम इसको पहले तो एक लोगो के तौर पे देखते हैं जो कि ओलंपिक का लोगो है और बहुत ही फेमस भी है जिसको हम जानते हैं साथ ही साथ हमें ये महसूस होता है या हमें ये पता होता है कि इसका हमारे लिए क्या अर्थ है हम इसको अलग अलग ओवरलैपिंग सर्कल्स की तरह ना देख के इसको एक लोगों की तरह परसीव करते हैं तो ये हमारे जो परसेप्शन की जो एक क्षमता है कि हम चीज़ों को मीनिंगफुल वे में देखना चाहते हैं ना कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में या जो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो कट्स हैं या एजेस हैं या शार्पनेस है उसके आधार पे नहीं बल्कि उससे जो निहित अर्थ हमें मिल रहा है हम उसके आधार पे उसको परसीव करते हैं और लॉ ऑफ प्रेग्नेंस यही दर्शाता है कि हम जितनी भी इस प्रकार की आकृतियाँ हमें दिखती हैं उनको हम कहीं ना कहीं सिंप्लिसिटी के वे में ताकि उसका हम एक अर्थ निकाल सकें वो हमारे लिए उपयोगी हो इस प्रकार से हम उसे देखने का प्रयास करते हैं तो इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे और वो टॉपिक है हमारा परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का और परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी में हम ये देखेंगे कि चार तरह की कॉन्स्टेंसी हैं जिसमें एक साइज कॉन्स्टेंसी है एक शेप कॉन्सटेंसी है दूसरी ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी कौंस्ट, कौंस्ट, और चौथी प्रकार की जो है वो कलर कॉन्स्टेंसी है हम यहां पर यह बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस प्रकार की जो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी है यानी हमारे प्रत्यक्षीकरण में एक स्थिरता है एक निरंतरता है और इसका हमारे लिए महत्व तो इसलिए है क्योंकि अगर हम इसको इस प्रकार से देखें कि सेंसेशन की जो प्रक्रिया है वो निरंतर एक चलने वाली प्रक्रिया है ठीक उसी प्रकार से परसेप्शन भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यदि हम इस प्रकार से हर स्टूमुलस को बार बार यदि जब जब भी उसमें कोई बदलाव हो रहा है अगर बार बार हम उसका अर्थ निकालने जाएंगे तो हमारे लिए ये जो स्थिति होगी ये ओवरलोड की स्थिति हो जाएगी यानी हमारे मस्तिष्क पे इतना ज़्यादा लोड पड़ेगा कि हम उस सूचना के दबाव से हम हमारा मस्तिष्क थक जाएगा या फिर वो काम नहीं कर पाएगा तो ऐसी स्थिति में जो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी है वो हमारी सहायक होती है क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बहुत सारी वस्तुएं ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमें दिखते हैं जो कॉन्स्टेंटली उनका शेप चेंज होता है या उनका साइज चेंज होता है या उनकी कलर या ब्राइटनेस चेंज होती है लेकिन उसके कारण उनका परसेप्शन जो हमारे पास है वो नहीं चेंज होता तो आइए इसको कुछ उदाहरणों के साथ हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं पहला जो साइज़ कॉन्स्टेंसी की जब हम बात करते हैं तो साइज कॉन्स्टेंसी में एक उदाहरण है जो आपके पास कि हम अगर किसी सपोज एक कार है और वो कार आपके नज़दीक आती जा रही है तो ऐसा नहीं होगा कि आप ये मानेंगे कि इस कार का साइज बढ़ता जा रहा है क्योंकि अगर हम रेटिनल इमेज की बात करें तो आँखों पर जो हमारी आकृति बन रही है रेटिना पर वो उस कार की जैसे जैसे वो हमारे नज़दीक आएगी वो उसकी जो आकृति है वो हमारे रेटिना पर बड़ी बनेगी लेकिन इसका ये अर्थ नहीं होगा कि उस कार का साइज बढ़ रहा है क्योंकि हमारा मस्तिष्क उस परसेप्शन की प्रक्रिया में ये एडजस्टमेंट कर लेता है उसको कॉन्स्टेंट रखता है और हम जानते हैं कि कार का साइज़ नहीं बढ़ रहा है बल्कि कार हमारे नज़दीक आ रही है और ठीक इसी प्रकार से जब कार हमसे दूर जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि हमें ये प्रतीत हो कि कार सिकुड़ रही है या उसका साइज़ छोटा होता जा रहा है बल्कि हमें यह पता रहेगा कि कार हमसे दूर जा रही है लेकिन उसका साइज़ उतना ही है और इसके लिए एक हमारा जो मस्तिष्क है इसकी ये जो क्षमता है ये हमें अनुभव के आधार पर हमें ये मिलती है वरना आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का हमारे पास एक ऐसा अगर व्यवस्था न होती जहाँ पर हमको साइज़ का ये जो बदलाव है उसमें अगर हमारी निरंतरता या स्थिरता न होती तो हमारे लिए ये पूरा वर्ल्ड जो है या पूरी दुनिया या इन्वायरमेंट जो है वो एक केस की तरह यानी एक ऐसी व्यवस्था हो जाती जहाँ पर हमें कुछ समझ नहीं आता और इसका एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है यानी उदाहरण ना कह के हम उसको कहेंगे कि एक ऐसी फाइंडिंग है जिसको देखा गया और उसके बाद ये समझ में आया कि हमारे अनुभवों से हम इसको सीखते हैं एक बार एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जिसकी जन्म के साथ उसकी दृष्टि नहीं थी और काफ़ी समय के बाद कुछ ऐसे उसको ऐसा एक अवसर मिला कि उसकी ऑपरेशन के बाद उसकी दृष्टि वापस आ गई यानी काफ़ी जब वो व्यक्ति एडल्ट हो गया यानी वो वयस्क बन गया तब उसकी दृष्टि वापस आ गई लेकिन उसने उसके पहले कभी भी ये जो कॉन्स्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट है उसके ब्रेन में वो बिल्डअप नहीं हुआ था और इस कारण से एक बार वो व्यक्ति जब एक चौथे माले की मंजिल बिल्डिंग में था और वहाँ से उसने जब खिड़की के बाहर देखा तो उसको पहली बार बड़ा ही कौतूहल हुआ और उसने देखा कि कुछ छोटे छोटे लोग नीचे जा रहे हैं और उसने इस बात को उसके लिए इतनी आश्चर्यजनक थी कि उसको लगा कि उसने कुछ नया चीज़ देख लिया है और उसने तुरंत जाकर के लोगों को ये बात बताई कि मैंने अभी अभी कुछ छोटे छोटे लोगों को चलते हुए देखा है उसके बाद इस पर इस बात को रिपोर्ट किया गया और इस पर और खोज करने की कोशिश की गई इसको समझने का प्रयास किया गया और उसके बाद ये पता चला कि चूंकि उस व्यक्ति के पास पहले से कोई भी अनुभव नहीं था पूर्व का कोई भी अनुभव नहीं था इस कारण से वो इस परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी के फिनोमिन से उसका जो ब्रेन है वो उसको वहाँ पर अंजाम नहीं दे पाया जिस कारण से वो साइज़ को जब वो दूरी की वजह से उस साइज़ में जो घटाव और बढ़ाव आ रहा था वो उसको समझ नहीं पाया इसके बाद अगर हम शेप कॉन्स्टेंसी की बात करें तो शेप कॉन्स्टेंसी में हम उदाहरण ले सकते हैं अगर आपके सामने एक किताब रखी है आप खुद के सामने एक किताब रखिए और उसको आप एक बार इस तरह से देखिए एक बार इस तरह से देखिए और एक बार उसको इस तरह से देखिए उसके बावजूद भले उस किताब का कितना भी एंगल आपको दिख रहा हो या वो आपको एक बार में उसका पूरा भाग ना भी दिख रहा हो और वो अलग अलग एंगल से वो आप वो जो उसकी आकृति बन रही है वो शेप आपको अलग अलग प्रतीत हो सकती है परंतु इसके बाद भी आपको ये पता होगा कि ये जो बुक है इसका शेप रेक्टेंगल है यानी कि आप ये कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टेंसी आपके ब्रेन में मेंटेन है आपकी परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी की वजह से कि वो किताब का जो शेप है वो अभी भी रेक्टेंगल ही है तो ये हमारी शेप कॉन्स्टेंसी को दर्शाता है इसका एक और उदाहरण हम देख सकते हैं जब कभी आप सिक्का टॉस करिए या क्वाइन को जब आप उछालते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जब क्वाइन घूमता है तो उसकी शेप बदल जाती है हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो ओवल शेप में है लेकिन उसके बावजूद हमारा ब्रेन इस चीज़ को परसीव करता है कि वो क्वाइन अभी भी राउंड शेप में ही है भले उसकी शेप हमें कुछ और दिखाई दे रही है परंतु क्योंकि वो एंगुलर वेलोसिटी में है घूम रहा है इस वजह से लेकिन अभी भी उसकी शेप वही है कॉन्स्टेंट है इसके बाद हम ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी की बात करें तो ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी में यदि इसका एक उदाहरण हम समझने का प्रयास करें तो अगर आप लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी रोशनी का स्तर अगर तेज रोशनी या धीमी रोशनी की हम बात करें उसमें अगर किसी व्यक्ति को आप कपड़े पहने हुए देखें सपोज एक आदमी उसने सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ है और सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहनने के बाद उस व्यक्ति को अगर हम तेज़ मतलब हाई लेवल ऑफ लाइट में यानी हाई इल्यूमिनेशन में उसको हम देखते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि उसकी शर्ट काफ़ी चमकीली है काफ़ी उसमें ब्राइटनेस है और उसकी पेंट के मुकाबले दोनों में हमको लगता है कि उसकी शर्ट काफ़ी ब्राइट है और इसी के साथ जब रोशनी थोड़ी कम हो जाती है यानी कि इल्यूमिनेशन का लेवल थोड़ा जब घट जाता है तो ब्राइटनेस उसके साथ साथ कम्पैरेटिवली कम हो जाती है शर्ट की भी ब्राइटनेस कम हो जाती है और साथ ही साथ पैंट की भी ब्राइटनेस कम हो जाएगी इस कारण से जो अभी भी जो शर्ट और पैंट में जो ब्राइटनेस का डिफरेंस हम अभी तक परसीव कर रहे थे वो अभी भी उतना ही रहेगा हमारे लिए क्योंकि दोनों का रिलेटिव ब्राइटनेस अभी भी उतना ही है जितना हाईलाइट में था तो इस प्रकार से जो ब्राइटनेस का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉन्स्टेंसी का कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए उपयोगी होता है इसको समझने में कि शर्ट और पैंट के बीच में जो ब्राइटनेस का गैप है वो अभी भी वही है और इसी के साथ कलर कॉन्स्टेंसी को भी हम इसी तरीके से इसी उदाहरण में समझ सकते हैं कि तेज़ जब हाई लेवल ऑफ रोशनी होती है तो उसमें भी किसी भी कपड़े का जो रंग हमें दिखाई देता है अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे घर पे करके देखना चाहें तो आप घर की सभी बत्तियां जला करके उसमें एक किसी कपड़े को आप देखिए सपोज आप एक लाल कपड़े को देखिए और उसके बाद उसकी लाइट की मात्रा को काफ़ी कम कर दीजिए उसके बाद भी जब आप उसको देखेंगे तो आपको लाल ही प्रतीत होगा हालांकि वो एक लाल का डिफरेंट शेड जरूर हो सकता है उसका थोड़ा बदला हुआ एक आपको कलर ऐसा प्रतीत हो सकता है परंतु फिर भी आप उस कॉन्स्टेंसी के तहत परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी के तहत उसको फिर भी आप रेड ही परसीव करेंगे तो ये हमारे परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी के ये जो चार जो ये तरीके हैं इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको परसीव करने में हमारी एक निरंतरता बनी रहती है और हमें जो एवर चेंजिंग जो स्टूमुलस हमें लगातार हमारे पास जिसका बॉम्बार्डमेंट हम कह सकते हैं या जो लगातार हमारे पास पहुंच रहे हैं तो उसमें हमको ये लाभ मिलता है कि कॉन्स्टेंसी की वजह से हम उसको कही कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से या आसान तरीके से उसका एक अर्थ निकाल सकें इसके बाद हम बात करेंगे डेफ uh, परसेप्शन की यानी गहराई का जो प्रत्यक्षीकरण है हम यहां पर एक बहुत रोचक बात यह है कि जो हमारे पास दो आंख होती हैं और उसकी उसकी वजह से हमारे पास बाइनोक्यूलर विजन है यानी कि हमारे पास दो तरह की सूचनाएं आ रही हैं एक हाइट की और दूसरा विथ्थ की ये दो सूचनाएं तो हमारे पास आ रही हैं लेकिन इसको हम कहेंगे कि ये टू डी विजन है लेकिन हमारे मस्तिष्क के पास ये क्षमता है कि वो इस टू डी विज़न को थ्री डी में कन्वर्ट करके देखता है यानी जो वर्ल्ड हम परसीव करते हैं उसको हम थ्री डी विज़न में परसीव करते हैं और इसका कारण जो है वो है हमारी डेप्थ को परसीव करने की क्षमता और ये जो क्षमता है इसमें बहुत हद तक हमारे जो सिग्नल्स हमें मिलते हैं और उसमें हमारी आइज का भी बहुत बड़ा रोल है उसमें उसके तहत हम अपने जो आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको हम थ्री में हम कह सकते हैं परसीव करते हैं इसमें हम सर्वप्रथम बात करेंगे बायनोक्युलर क्यूज़ की और बायनोक्युलर क्यूज़ में जो पहला जो यहाँ पर आप देखिए ये कन्वर्जेंस जो यहाँ पर लिखा है इसका अर्थ ये है कि जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर कि हमारे लिए एक ऐसी आ, कोई वस्तु हो जो हमारे बहुत नज़दीक हो तो उसमें होता ये है कि हमारी जो आँखें हैं दोनों उसको हम कोशिश करते हैं उस चीज़ पे केंद्रित करने की और इस प्रयास में जो हमारी आँखों का जो जो लेंस का जो डायरेक्शन है या जो लोकेशन है वो वो कन्वर्ज होता है यानी वो आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं अगर आप इसको ध्यान दें तो जब आप कोई नज़दीक की वस्तु अगर आप सामने रख के देखें तो आपको अपनी नाक भी थोड़ी सी दिखाई दे सकती है यानी कि आपकी जो आइज़ हैं वो नियर टू नोज आ जाती है उसकी लोकेशन यानी कन्वर्जन होता है उनके बीच में कन्वर्जेंस होता है और इस वजह से जब कन्वर्जेंस ज़्यादा होता है यानी कि कन्वर्जेंस जब हमारी दोनों आँख एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो हम ये जानते हैं कि जो वस्तु हम देख रहे हैं वो हमारे काफ़ी नज़दीक है और जब यही यही वस्तु हमारे हमसे दूर जाती है और हमारा जो आँखों का अभी तक कन्वर्जेंस हो रहा था वो अब कन्वर्जेंस कम होता है जब तो हम ये उसके साथ ही साथ हमें ये क्लू मिल जाता है कि हमारा जो वस्तु हम देख रहे हैं वो हमसे काफ़ी दूरी पर है तो इस तरह से कन्वर्जेंस हमारे जो आइस का जो कन्वर्जेंस है वो हमें ये सूचना देता है कि किस प्रकार से कोई वस्तु हमसे नज़दीक है या दूर है इसके बाद जो दूसरा एक बायनोक्यूलर क्यू हमारे लिए होता है बायनोक्युलर इसको क्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टू आई विजन हमारा है इसलिए इसको बाइनोक्युलर विजन या बाइनोक्युलर क्यूज बोलते हैं और रेटिनल डिस्पेरिटी उसी का एक उदाहरण है जिसमें कि हमारे आइस तो दो हैं लेकिन वो दोनों थोड़ी दूरी पर स्थित हैं और वो एक दूसरे से एक थोड़े से डिस्टेंस पर हैं और इस वजह से जो भी वस्तु हम देखते हैं उनकी हमारे पास एक स्लाइट डिफरेंट इमेज यानी कि हमारी एक आँख में राइट आई में जो इमेज बनेगी वो हमारी लेफ्ट आई में जो इमेज बनेगी उसी वस्तु की उससे थोड़ी सी मामूली अंतर उसमें होगा ऐसे में जब कोई वस्तु हमारे बहुत नज़दीक होगी तो जो दोनों आइज में जो इमेज बनी है उनमें काफी ज्यादा अंतर होगा यानी जो रेटिना पर जो इमेज बन रही है उसमें काफी डिस्पैरिटी होगी इसीलिए इसको कहते हैं रेटिनल डिस्पेरिटी तो जब वस्तु हमारे आंखों के बहुत नजदीक होगी तो उसकी जो रेटिना पर इमेज बन रही है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्पेरिटी होगी यानी उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होगा और इससे हम ये अर्थ लगा पाते हैं कि जो वस्तु जिसका डिस्पेरिटी इतना हाई है वो हमसे काफ़ी नज़दीक है और इसी प्रकार से जब कोई वस्तु यानी कि हमसे दूर होती है तो रेटिनल डिस्पेरिटी वहां पर काफ़ी कम होती है जिससे हमें ये क्यू मिलता है हमें ये उससे पता चलता है कि वो वस्तु हमसे काफ़ी दूरी पर है इसी के साथ जो मोनोक्यूलर क्यूज़ की यहां पर बात है मोनोक्यूलर क्यूज में चूंकि हमारी दो आंखें होने के बावजूद भी उसमें से हमारी दोनों आंखें एट अ टाइम एक सिंगल आई की तरह काम करती हैं तो इस वजह से हमारे पास कुछ मोनोक्युलर क्यूज भी उपलब्ध होते हैं और इसमें से जो पहला क्यू है दैट इज लीनियर पर्स्पेक्टिव लीनियर पर्सपेक्टिव में इसका उदाहरण समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि अगर आपने कभी रेल की पटरी को देखा हो या कभी आप अगली बार जब जाएं तो आप किसी हाईवे पे भी खड़े होकर ये देख सकते हैं हालांकि हाईवे पर बीच से खड़े होकर देखना खतरनाक हो सकता है उसके बाद भी इसको केवल समझने के लिए हम समझें कि जब हम रेलवे पटरी को देखते हैं कभी अगर दूर से तो अगर हम उसको बहुत दूर तक आगे देखें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दो पैरल लाइंस जो हैं यानी रेलवे की पटरी जो दो पैरल लाइंस हैं वो आगे जाकर के आपस में मिल जा रही हैं हमें ऐसा प्रतीत होता है तो इससे हम ये पता लगाते हैं कि जो जहां पर हमें ये चीज़ आगे दिख रही है वहाँ पर ये हमारे लिए जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे में मिलती हुई नजर आ रही हैं वो हमसे काफ़ी डिस्टेंस पे है काफ़ी डेफ्थ पे है और जो हमारे नज़दीक है वो अभी भी हमें पैरल दिख रहा है तो लीनियर पर्स्पेक्टिव से हमें ये जानकारी मिलती है रिलेटिव साइज की जब हम बात करते हैं तो रिलेटिव साइज में आ, हम ये देखते हैं कि किसी भी वस्तु का उसका हमारे रेटिना पर क्या इमेज बन रहा है और यदि उसका रेटिना पर इमेज उसका बड़ा बन रहा है इसका अर्थ ये है कि वो वस्तु हमसे काफ़ी नज़दीक पर है और यदि इसको अगर दूसरे में समझें तो कभी आप ये देखते हैं जब जैसे कभी आप बाहर निकलें तो आप वहाँ पर देखें कि बिजली के बड़े बड़े हाई टेंशन के जो तार जा रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के उनके जो खंभे लगे होते हैं अगर उन खंभों को आप एक क्रम में देखना शुरू करें तो आपको तीन चार खंभे अगर दिखाई दे रहे हैं तो उसमें जो खंभा सबसे नजदीक है आपके जो इलेक्ट्रिक पोल सबसे नज़दीक है वो आपको उसका साइज बहुत बड़ा प्रतीत होगा और उसके बाद के जो पोल होंगे उनका वो आपको छोटे दिखेंगे परंतु इसका ये अर्थ नहीं है क्योंकि उसकी इमेज हमारे रेटिना पर छोटी बन रही है इसका ये अर्थ हम नहीं निकाल रहे हैं कि वो उससे साइज में छोटा है पोल बल्कि हम उससे ये समझ पाते हैं कि वो पोल हमसे काफ़ी दूरी पर है इसलिए वो हमें छोटा दिखाई दे रहा है इसके बाद हम इंटरपोजिशन की बात करें तो इंटरपोजिशन में इसका बहुत एक सिंपल उदाहरण से इसको आप समझ सकते हैं सपोज ये एक बॉक्स रखा है और यहां पर एक और बॉक्स है अगर हम इसको बॉक्स ए की संज्ञा दें और इसको बॉक्स बी की और जब आप इसकी तरफ देखेंगे तो आप आसानी से ये बता पाएंगे कि कौन सा बॉक्स आपके नजदीक है और कौन सा बॉक्स आपसे दूर है क्योंकि ए बॉक्स बी बॉक्स को ढांक रहा है यहाँ पर उसको ओवरलैप कर रहा है यानी इंटरपोजिशन इस वजह से हम ये जान पाते हैं कि ए जो है वो हमारे हमसे ज़्यादा नज़दीक है बी बॉक्स की तुलना में तो ये इंटरपोजिशन को दर्शाता है ये भी हमारे लिए एक डेफ्थ को पहचानने का एक तरीका है इसके बाद लाइट एंड शेडो की जब हम बात करते हैं तो कोई भी वस्तु जब या ऑब्जेक्ट जब हमें लाइट में दिखती है तो वो हमें नज़दीक प्रतीत होती है और वही चीज़ जब शेडो में यानी छाया में या अंधकार में हमें दिखती है तो वो हमें दूर प्रतीत होती है इसके बाद एटमॉस्फेरिक परस्पेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो वातावरण में जब चीज़ें हम देखते हैं तो आप ये देखिए कि अगर आप कहीं किसी ऊंचाई से अगर आप पहाड़ की ऊंचाई से या कहीं से अगर आप किसी जगह को देखते हैं या सपोज़ नीचे की तरफ देखते हैं तो वहां पर आपको जो नीचे की वस्तु है वो काफ़ी दूर दिखाई दे सकती है और उसका कारण ये होता है कि वो वस्तु हमें उतनी आ, वहाँ पर स्पष्टता से यानी क्लैरिटी के साथ दिखाई नहीं देती और उसके कई कारण हैं वहाँ पर आ, वाटर वेपर्स हो सकते हैं डस्ट हो सकती है धुंध हो सकती है इन सभी कारणों की वजह से वहाँ पर हमको क्लियर विजन नहीं मिलता और इस वजह से जब हमें क्लियर विजन नहीं मिलता तो हमें ये प्रतीत होता है कि वो जो वस्तु है जिसको हम देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है जहाँ हमारा ध्यान है वो हमसे काफ़ी दूरी पर है जबकि अगर हम क्लियर स्काई की तरफ देखें या जब पूरा वातावरण साफ हो और कोई चीज हमें क्लैरिटी के साथ दिखाई देती है तो वो हमें नजदीक प्रतीत होती है तो इससे भी हमें डेफ्थ का एक अंदाजा मिलता है इसके बाद एक टेक्सचर ग्रेडियंट का एक उदाहरण है या इस, इससे भी हमको एक आ, समझ मिलती है कि कोई वस्तु के हम कितना नजदीक हैं या कितना दूर हैं और इसमें आप ये देखेंगे कि जब कभी आप आ, किसी अगली बार जब आप कभी प्लेग्राउंड में या जब किसी मैदान में आप जब जाएँ तो आप दूर से एक बार जब उसको किसी दूर की घास को जब आप देखेंगे तो आपको वो दिखेगा कि पूरी घासें एक जैसी सिमेट्री में हैं और उसकी एकदम एक चादर की तरह वो बिछी हुई हैं और उनके बीच में एकदम आपको एक हरा हरा एक प्रतीत होगा कि पूरा मैदान हरा है लेकिन वहीं ठीक अगर आप अपने सामने वहीं पर नज़दीक अपने पैरों के पास यदि देखने का प्रयास करेंगे तो वही ग्राउंड वहां पर आपको दिखेगा कि वो घासें आपस में काफ़ी दूरी पर हैं उसके बीच में आपको मिट्टी भी दिखाई देगी तो ये जो दर्शाता है कि जो टेक्सचर ग्रेडियंट है यानी किसी भी वस्तु की जो फाइन डिटेल्स हैं उसकी बारीकियां हैं वो हमको यदि ज़्यादा दिख रही हैं तो इसका अर्थ ये है कि वो हमसे काफ़ी नज़दीकी पर है और यदि उसको जब हम दूरी से देखते हैं तो उसका जो टेक्सचर ग्रेडियंट है वो हमें बहुत फाइन दिखता है क्योंकि उसकी हमें डिटेल्स वहां पर मिल नहीं पा रही हैं तो इसलिए वो हमको ऐसा प्रतीत होता है, है एक स्मूथ सरफेस की तरह प्रतीत होता है तो इससे भी हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि वो जगह या वो वस्तु हमसे कितनी दूरी पर है तो इससे भी हमें इसका एहसास होता है आभास होता है इसके बाद हम मोशन पैरालैक्स की बात करते हैं मोशन पैरालैक्स में हम ये देखते हैं कि हमारे जब भी कभी हम मोशन में होते हैं तो उसके साथ कभी अगली बार आप अगर किसी ट्रेन में सफ़र करें या कार में सफ़र करें तो उसमें आप ये प्रयास करें देखने का कि ये जो मोशन पैरालैक्स है इसको आप 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 परसीव कर सकते हैं कट मैं मतलब कितना मिनट वाला है मैं इसके पहले ना एक्चुअली पैंतालीस वाला 45 ना हाँ वही वही मैं थोड़ा सा जानकारी मैं दोबारा से वहीं से शुरू कर दूंगा हाँ मोशन पैरालैक्स की जब हम बात करते हैं तो मोशन पैरालैक्स को समझने के लिए जब कभी भी अगली बार आप कहीं सफर कर रहे हो किसी ट्रेन में या किसी कार में तो वहां पर आप अगली बार ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो आप ये आपको एहसास होगा कि जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं आप चल रहे हैं साथ की चीज़ें भी आपके साथ या तो चल रही हैं या आपसे पीछे की दिशा में जा रही हैं और अगर कोई चीज़ आपसे विपरीत दिशा में जाती हुई आपको दिख रही है और वो भी तेजी से तो इससे हमें यह एहसास मिलता है या इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि वो हमारे काफ़ी नज़दीक है लेकिन अगर आप दूर की किसी वस्तु को जैसे उदाहरण के लिए हम अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हों या कार में सफ़र कर रहे हों तो दूर स्थित बहुत दूरी पर यदि आ, आप एक पेड़ को केंद्रित कर लें तो अगर आप उस पेड़ की तरफ देखेंगे तो वो पेड़ आपको या तो अपने साथ चलता हुआ प्रतीत होगा या फिर वो, वो एक जगह पर स्थिर प्रतीत होगा और ये तब होता है जब वो वस्तु आपसे बहुत ज़्यादा दूरी पर हो तो जब ऐसी अवस्था होती है तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो वस्तु हमसे कितनी दूरी पर है वो जगह हमसे कितनी दूरी पर है तो डेफ्थ का हमें यहाँ पर परसेप्शन इससे प्राप्त होता है तो इस प्रकार से ये जो बाइनोक्युलर और मोनोक्युलर दोनों प्रकार के जो क्यूज़ हैं इससे हमारे डेफ्थ परसेप्शन की जो हमें समझ मिलती है ये हमारे परसेप्शन में एक बहुत बड़ी सहायक होती है और इसी की मदद से हम हमारा ब्रेन जो एक थ्री इमेज या जो थ्री एक परसेप्शन कर पाता है उसमें वो जो सक्षम हो पाता है वो इन्हीं क्यूज़ की मदद से हो पाता है तो यानी कि ये हमारे परसेप्शन के लिए डेफ परसेप्शन के लिए महत्वपूर्ण तो क्यूज़ हैं और इसके बाद हम एक चर्चा और करेंगे जहाँ पर कि हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि प्रत्यक्षण में यानी परसेप्शन में जो भ्रम की स्थिति आ जाती है यानी कि कई बार ऐसा होता है कि वातावरण में जो या एनवायरनमेंट में जो स्टूमुलस है या जिस भी तरीके से उसका शेप है या साइज़ है या जिस भी तरह से उसका वहां पर एग्जिस्टेंस है कई बार हम उसको उसी तरह से नहीं देखते कई बार हम उसको अपने पर्सनल लेवल पे किसी कारण से उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इसमें हमारे जो अभी हमने पीछे चर्चा की जो हमारा डेफ्थ परसेप्शन है या जो हमारी कॉन्स्टेंसी का जो फिनोमिनन है जो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी जिसकी हमने अभी पीछे चर्चा की थी जिसके तहत हम बहुत सारे वस्तुओं का ऑब्जेक्ट्स का उसका साइज शेप कलर ब्राइटनेस इसको हम कॉन्स्टेंट मानते हैं तो इस प्रकार के कई भ्रम इसलिए उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है जो हमारी मेंटल ट्रेनिंग है जो हमारा एक्सपीरियंस है वो कई बार हमको उस चीज़ को दूसरे तरह से देखने के लिए या दूसरे तरह से परसीव करने के लिए प्रेरित करते हैं या हम यूं कह लें कि वो हमारी एक आदत होती है इसलिए हम उसको उस तरह से देखते हैं जबकि वो वास्तविकता में थोड़ा अलग होता है या यूं कह लें कि जो हमारा परसेप्शन है वो कहीं ना कहीं रियलिटी से थोड़ा अलग है थोड़ा डिविएटेड है इसीलिए हम उसको भ्रम की स्थिति या उसको मनोविज्ञान में उसको इल्यूजन कहा जाता है तो इसलिए उसको परसेप्चुअल इल्यूजन की श्रेणी में रखा गया है और कई बार ऐसा भी होता है कि ये इल्यूजन मनोवैज्ञानिक ना होकर के ये कई बार केवल वातावरण में इस प्रकार का वो फिजिकल स्टूबुलस में ही वो कैरेक्टरिस्टिक है इस वजह से वो गुण की वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है इसका एक उदाहरण आप समझने के लिए जो मिराज जो हमको दिखता है अभी किसी आ, बहुत आप किसी गर्मी के मौसम में आ, जब भरी दोपहरी में आप टेम्प हाई टेम्परेचर में जब आप कभी रोड पे निकलेंगे तो जब आप दूर में एक दृष्टि डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि वहां पर रोड पर आगे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि रोड पर आगे पानी गिरा हुआ है परंतु वास्तव में वो रोड सूखी होती है और उस पर कोई पानी नहीं होता तो ये एक प्रकार का एक ऐसा इल्यूजन है जो कि फिजिकल जो हमको स्ट्यूमलस प्राप्त हो रहा है उसी के वजह से हमें ये प्रतीत होता है परंतु इसके बाद जो हम यहाँ पर आज बात करेंगे परसेप्चुअल इल्यूजन की उसमें हम ये देखेंगे कि जो कॉग्निटिव लेवल पर यानी हमारी प्रोसेसिंग के लेवल पर जो इल्यूजन या जो भ्रम उत्पन्न हो रहा है उसकी वजह से किस किस प्रकार से कई बार हमें एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या हमारे परसेप्शन में थोड़ा डिस्टोर्शन आ जाता है थोड़ा उसमें हम कह सकते हैं कि वो इनकरेक्ट हो जाता है उसकी हम अभी एक चर्चा करेंगे जो साइज़ का भ्रम जब हम देखते हैं तो साइज के भ्रम में आप ये पाएंगे कि जो पॉन्जो ये यहां पर भ्रम है इसमें हम ये देखते हैं कि हमें साइज का यानी कि इसको जब मैं उदाहरण के लिए यहां पर आपके लिए एक इसका मैं उदाहरण बनाता हूं कट पानी पी लें हमारे पास कितना टाइम है अभी दस मतलब अभी फिफ्टी हुआ है तो मतलब मैं छह मिनट में भी खत्म कर सकता हूं एक सेकंड तो मैं ये अगली दोनों स्लाइड छोड़ दूंगा ना फिर क्योंकि मैं छह मिनट में खत्म कर सकता हूं तो मैं ये बस इसी पे रोक देता हूं क्योंकि वो आगे वाली में फिर ज्यादा टाइम चला जाएगा <coughs> रेडी साइज के भ्रम की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक उदाहरण हमारे पास है पॉन्जो भ्रम का यानी पॉन्जो इल्यूजन का उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करता हूँ कि अगर हमें इस प्रकार की दो पैरल लाइन्स हैं और इसको पैरल लाइन्स न बना करके मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ अगर इस तरह की हमारे पास कोई आकृति है और यहाँ पर अगर हम एक ऐसी लाइन है और उसी के साथ साथ एक ऐसी लाइन है तो हमें ये भ्रम हो जाता है कि ये जो नीचे जो लाइन बनी है ये वाली लाइन जिसको हम लाइन ए अगर कहें और इसको यदि हम लाइन बी कहें तो हमें यह भ्रम हो जाता है कि जो लाइन ए है वो छोटी है लाइन बी से यानी कि आ, हमें लाइन ए छोटी प्रतीत होती है लाइन बी से जबकि वास्तविकता में ये लाइन भी उसी सेम साइज़ की है जिस लाइन की ये जिस जिस साइज़ की ये लाइन बी है और इसका कारण है इल्यूजन क्योंकि ये लाइन हमको उस हमारे जो इन लाइंस को काटते हुए बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये लाइन ज़्यादा एरिया कवर कर रही है और ये बड़ी है उसके रिलेटिविटी में और ये छोटी है तो इस प्रकार से ये पौन्जो इल्यूजन का हमको भ्रम हो जाता है इसके बाद जो दूसरा प्रकार का जो एक भ्रम है जो साइज़ का ही भ्रम है वो है मुलर लायर इल्यूजन और इसमें होता ये है कि यूजली ये इसका जो उदाहरण आप प्रैक्टिकल्स भी अगर कभी करेंगे तो ये देखिए आप यहाँ पर ये अब आप अगर इसकी तरफ देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा या आपको थोड़ी देर के लिए ये लगेगा कि ये जो ये जो आकृति है यानी ये जो लाइन है ये जो डिस्टेंस है बी और ये जो डिस्टेंस है अगर इसको हम ए कहें तो ये बी हमें यहाँ पर बड़ा प्रतीत होता है और इसका कारण ये है कि जो ये इसकी ये जो एंगल्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं ये बाहर की तरफ हैं और ये जो एंगल्स है यहाँ पर जो एरोडेड है जो कि तीर नुमा है ये अंदर की तरफ है और इस वजह से जो इसके एजेस हैं वो हमें प्रतीत होते हैं कि ये हमसे दूर है और ये हमें प्रतीत होता है कि ये हमारे नज़दीक है इसका जो स्पष्टीकरण इस दिया गया है वो इसका ये है कि जब हम चूँकि शहरी क्षेत्रों में खास करके हमारा एंगल्स से बहुत पाला पड़ता है यानी एंगल्स हम कहें तो किनारों से एजेस से हमें दीवारों के दीवारों के किनारे दिखाई देते हैं घर के अंदर भी घर के बाहर भी बिल्डिंग्स के किनारे और होता ये है कि जब हम एक बिल्डिंग के अगर आप इसको सपोज करें कि एक बिल्डिंग का कोना आपको दिखाई दे रहा है तो आप ये जानते हैं कि ये कोना आपसे नज़दीक है और उसकी बात बिल्डिंग की जो वॉल्स हैं वो आपसे दूर जा रही हैं लेकिन ठीक इसी प्रकार से जब आप अपने कमरे में बैठे हैं तो कमरे में आप ये देखते हैं कि कमरे का जो कोना है और जो दीवारें आपको ऐसे दिखती हैं और कोना आपको बाहर की तरफ दिखता है यानी आपसे दूर दिखता है और दीवारें आपसे आपस में आपके नज़दीक आती हुई प्रतीत होती हैं इस कारण से होता ये है कि हमें घर वाला जो कोना है वो हमें पता है कि हमारी दीवार से वो दूर है यानी कि कोना सबसे दूरी पर है लेकिन बिल्डिंग का जो एज हम देखते हैं वो हमें प्रतीत होता है कि वो दीवारों से नजदीकी पर है अब चूंकि हमें एजेस को इस तरह से देखने की एक आदत सी पड़ गई है और इससे हमें कई बार लाभ भी होता है जब हम कमरे में होते हैं तो हमें इसकी वजह से फायदा मिलता है ये समझने के कि समझने में कि कोना कितनी दूरी पर है और ठीक उसी तरह से जब हम बाहर होते हैं तो बिल्डिंग हमारे उसका कोना हमसे कितनी दूरी पर है ये समझने में वहाँ तो हमें मदद मिलती है परंतु उसी वजह से जो हमारी ये टेंडेंसी है परसेप्शन करने की उस वजह से यहाँ पर जो हमने अभी देखा कि जब एक ऐसा तीर नुमा स्ट्रक्चर है जो उसी तरह से उसको वॉल को अगर हम यहाँ पर दोबारा उसको ड्रॉ करें तो ये जो वॉल है यहाँ पर ये हमें उस बिल्डिंग के वॉल कोने की तरह हमें यहां पर प्रतीत हो रहा है और इस वजह से यह हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसको आपके लिए मैं दोबारा बनाता हूं ये जो बिल्डिंग का जो कोना है यह हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह हमारे नजदीक है और जो चीज हमारे नजदीक है हम जानते हैं कि उसकी इमेज हमारे रेटिना पर बड़ी बनती है परंतु उसका वास्तविक साइज छोटा होता है क्योंकि वो दूरी की वजह से हमारे रेटिना पर उसकी छोट बड़ी इमेज बन रही है लेकिन उसी तरह से जब हम घर के कोने की जो बात कर रहे थे तो यहाँ पर ये उसी को दर्शाता है तो ये जो वॉल की तरह ये घर के वॉल की तरह हो गई आपकी और ये कोना हो गया यहाँ पर ये लाइन हमको बड़ी प्रतीत हो रही है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये हमसे दूरी पर है तो इस प्रकार से मुलर लाइर इल्यूजन का स्पष्टीकरण दिया जाता है और ये देखा भी गया है कि ऐसे बहुत से लोग हैं ऐसे कबीलों में जो रहते हैं वहाँ पर उनको जो उनके घर हैं या जो उनकी जो सराउंडिंग्स है स्पेशली उनके जो घर हैं वो हट मतलब झोपड़ी की तरह वो बनाते हैं और उसको सर्कुलर शेप में बनाते हैं इस कारण से उनके अंदर मुलर लायर इल्यूजन काफ़ी कम या ना के बराबर पाया जाता है तो यानी हम ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक हमारे वातावरण का या जिस परिदृश्य में हम रह रहे हैं जिस तरह की सराउंडिंग में हम रहते हैं उसका एक बहुत बड़ा असर होता है हमारे परसेप्चुअल इल्यूजन पे इसके बाद हम एक और तरह के भ्रम की बात करेंगे वो है शेप का भ्रम जिसमें मून इल्यूजन बहुत ही फेमस वन ऑफ द ओल्डेस्ट हम कह सकते हैं इल्यूजन है जो कि आज तक हमको ये आश्चर्यचकित करता है और इसमें आप अगली बार कभी अगर आपको मौका मिले तो आप इसको देखिएगा कि जब हम मून की तरफ देखते हैं तो मून हमें जब भी नीचे की तरफ होता है यानी होराइजन में होता है तो हमको वो बड़ा प्रतीत होता है यानी जब मून नीचे के हॉराइज़न की तरफ होता है तो वो हमें बड़ा प्रतीत होगा और जब वो ठीक हमारे सर के ऊपर यानी आसमान में जब होगा तो उसका साइज़ हमें छोटा प्रतीत होगा और इसका कारण ये बताया जाता है कि चूंकि जब हॉराइज़न में मून मौजूद होता है तो वहाँ पर हमारे पास पेड़ मकान और तमाम तरह के हमारे पास क्यूज़ होते हैं उसको देखने के लिए हालांकि उसके बावजूद हम उसको ये जरूर परसीव कर पाते हैं कि वह बहुत दूरी पर है लेकिन चूंकि वो हमें हमें साथ में क्यूज़ भी मिलते हैं इसलिए हम ये ज़रूर समझ पाते हैं कि मून हमसे बहुत दूरी पर है इसलिए हमें छोटा दिखाई दे रहा है तो हमारा ब्रेन हमारे लिए जो इमेज क्रिएट करता है वो थोड़ी बड़ी क्रिएट करता है जबकि वही चीज़ जब हम मून की तरफ आसमान में देखते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कोई स्पष्ट क्यू वहां पर नहीं होता इस कारण से वो उसकी दूरी का हम ठीक अंदाजा वहां पर हमारा ब्रेन वहां पर कोई करेक्शन नहीं करता इसलिए वहां पर मून हमको छोटा ही दिखाई देता है तो इस प्रकार से जो मून भ्रम है यानी मून इल्यूजन है उसका इस प्रकार से आप उसको अगली बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसके बाद जो अगला एक और भ्रम है वो पोगेंडोर्फ इल्यूजन और इसमें होता यह है पोगेंडोर्फ इल्यूजन में कि अगर आप ये देखें कि ऐसे दो पैरल लाइन्स हैं और एक ऐसी लाइन है जो इसको इसके साथ इस प्रकार से जा रही हो तो हमें कई बार ये प्रतीत होता है और यहाँ पर एक उदाहरण के लिए अगर ये बना दें तो आपको ये लगेगा कि ये जो लाइन है ये इसके साथ जुड़ेगी जबकि वास्तविकता में ये अगर इसको यहाँ पर डायग्राम में शायद आपको उतना स्पष्ट ना हो कोशिश करिएगा कि आप इस आप इसे एक बार सर्च करके किताबों में या इसको इंटरनेट पर इसको आप देख लें उससे आपको ये और स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो ये दो लाइन्स जो कि वास्तव में एक सीध में है वो हमको इस इल्यूज़न की वजह से एक सीध में प्रतीत नहीं होती तो ये पॉगेनडोर्फ इल्यूजन है और इसके साथ ही हम अगला जो एक और तरह के इल्यूजन की हम बात करेंगे यहाँ पर और वो है मोशन रिलेटेड इल्यूजन यानी इसमें हम बात करेंगे दो तरह के इल्यूज़न की एक स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन की और दूसरा ऑटोकाइनेटिक प्रभाव की अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन की तो एक बहुत ही रोचक बात यहां पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ शायद आप में से कुछ को पहले से भी ये बात हो सकता है पता हो कि जो सिनेमा या मूवी हम देखने जाते हैं या आप देखते हैं वो असल में इमेजेस हैं जो एक साथ क्लिक की गई हैं लगातार इमेजेस ना कि कोई वीडियो बन रहा है तो इसलिए लेकिन जब वो हमें दिखती हैं वो इमेजेस लगातार इस तरीके से तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक वीडियो देख रहे हैं तो ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन का और इसके बाद हम ऑटोकाइनेटिक प्रभाव के लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसमें एक अंधेरे कमरे में यदि जहाँ पर कोई और वस्तु मौजूद ना हो और वो पूरी तरह से वहाँ पर अंधकार हो वहाँ पर यदि आप एक लाइट लगा दें और उस लाइट की तरफ आप देखें तो आपको वो लाइट चलती हुई प्रतीत होती है जबकि वो लाइट वास्तव में एक ही जगह पर है वो हिल नहीं रही है वो एक जगह पर स्थिर है लेकिन आपको प्रतीत होगा कि वो अपनी जगह बदल रही है और ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास किसी और तरह का कोई क्यू वहाँ पर मौजूद नहीं होता है इस वजह से वो लाइट हमको अपनी दिशा बदलती हुई नज़र आती है या अपनी जगह बदलती हुई नज़र आती है तो इस प्रकार से कुछ भ्रम है जो हमको अक्सर हो जाते हैं तो यहां पर हम ये कहेंगे कि प्रत्यक्षण में इन भ्रम को भी समझने से हमारी एक परसेप्चुअल की जो जो परसेप्शन की जो हमारी जो प्रक्रिया है और जो हमारी उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है वो समझने में हमें मदद मिलती है तो आज के इस सत्र में हम हमने हमने अपने परसेप्शन की जो प्रक्रिया है उसको काफ़ी डिटेल में समझने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि आप सभी को आज का ये सत्र अच्छा लगा होगा और आज के इस सत्र के आ, समाप्ति के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ नमस्कार